जी हाँ दोस्तों, आज हम लेके आ चुके हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सॉरी दोस्तों, अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, हम केवल टेस्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि अनबॉक्सिंग तो हम पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इस फिश शो केस की, तो ये बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है। ज़्यादा हैवी नहीं होता, लेकिन हैवी होता है, क्योंकि ये पीछे वाला जो इसका आकार है, ये इसे हैवी कर देता है थोड़ा बहुत। अच्छा, इसका वजन इतना ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये प्लास्टिक नहीं है, ये ग्लास है, ये शीशा लगा हुआ है, इसीलिए इसका वजन थोड़ा ज़्यादा ही है। और ये पीछे इसका वजन इसकी वजह से भी ज़्यादा हो जाता है। अगर हम बात करें इस फिश शोकेस की, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक प्रोवाइड करता है, एकदम अच्छा लुक प्रोवाइड करता है, जिसमें ये मछलियाँ चलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत नहीं होती है, चलती हुई लगती हैं। और ये हमारी घड़ी, ये जो हमारी घड़ी है, ये भी अच्छे से चलती हुई दिखती है। और ये जो हमारी सेकेंड वाली सुई है, ये टिक टिक करके नहीं चलती है, ये अपनी सीधी कतार में चलती है, अपनी अपनी एक ही गति में चलती है, टिक टिक नहीं कर। तो आज के इस वीडियो में हम इसी की टेस्टिंग करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके स्टैंड की, जिस पे ये खड़ा होता है, तो ये हमारा ये है स्टैंड। और अगर हमें इसे फिट करना हो, तो ये हमारा नीचे से फिट होता है। तो अगर हम बात करें इसकी टेस्टिंग की, तो इसका हम टेस्टिंग भी कर लेते हैं, और लास्ट में हम इसके प्राइस की भी बात कर लेंगे। तो ये हमारा प्लग है, थोड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, नॉर्मल है। ओके, तो सबसे पहले हम इसे प्लग में इंसर्ट करते हैं, प्लग में लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये प्लग में लग चुका है, प्लग में इंसर्ट हो चुका है, तो हम प्लग को ऑन करने जा रहे हैं। 3 2 1, देख सकते हैं आप कितना अच्छा लुक प्रोवाइड करा रहा है। आप मछलियों को ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। अच्छा, आप सभी कमेंट करिए कि आपको इसका लुक कैसा लग रहा है। अच्छा, अभी हमारी घड़ी नहीं चली है, क्योंकि यहाँ पे हमें सेल डालना होगा, सेल भी हम डाल देते हैं। ओके, तो इसे सबसे पहले थोड़ा हम स्विच को रोक देते हैं, क्योंकि लाइट से खिलवाड़ करना सही नहीं है। ओके, अपने सेल को इंसर्ट कर देते हैं, हमारा सेल यहाँ पे पड़ेगा। ओके, तो सेल पड़ चुका है, और फिर से हम इसे, ये ऑन हो चुका है। और घड़ी भी आप देख सकते हैं, हमारी वॉच देख सकते हैं आप, वॉच में सेकंड वाली सुई देख सकते हैं आप कैसे चल रही है। आपको पता लग जाएगा कि कैसे चल रही है हमारी सेकंड वाली सुई, एक ही कतार में चलती है, टिक टिक नहीं करती है, अपनी सीधी लाइन में चलती है। ओके, ये वाला मुझे मैटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जब टिक टिक नहीं करती है, एक ही अपनी लाइन में चलती है, एक ही गति से चलती है, ये मैटर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और इधर तो मैटर अच्छा ही लग रहा है, इधर भी मुझे अच्छा लग रहा है मैटर, क्योंकि ये अपनी लाइन में ये भी चल रही हैं, ये भी एक अच्छा लुक प्रोवाइड कर रही हैं। तो अब हम बात करें अगर इसकी प्राइस की, तो ये हमें 600 से 800 रुपए के बीच में मिल जाता है, जो एक अच्छा लुक, एक बढ़िया लुक प्रोवाइड कर रहा था। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, 600 से 800 रुपए के बीच में इतनी अच्छी अगर चीज़ मिल रही है, तो ले ही लेनी चाहिए। ओके, तो मेरे वीडियो पे आपको इसका लिंक नहीं मिलेगा, आपको अगर बाहर मिल जाए तो आप खरीद सकते हैं, आप ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मैंने भी इसे ऑफलाइन मार्केट से ही परचेस किया है, ऑनलाइन मार्केट से परचेस नहीं किया है, नहीं तो फिर मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा सकता था, लेकिन मैंने इसे ऑफलाइन मार्केट से ही परचेस किया है, मुझे ऑनलाइन पे मिला नहीं है ये। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक ही हमारा रियल मोटिवेशन होता है, जिससे हम आगे भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते रहते हैं, मोटिवेशन हमें मिलता है लाइक से ही। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।